नमस्ते सभी को। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अलग तरीके से एलोवेरा की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए लिया है हमने एलोवेरा। एलोवेरा को हम अच्छे से छीलकर इसके छिलके हटा लेंगे और इसका वाइट वाला पल निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने वाइट वाला पल निकाल लिया है और इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर लिए हैं। ये देखिए, चौकोर साइज में। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच नमक, जिससे कि इसका ये चिपचिपापन दूर हो जाएगा। ये देखिए, एलोवेरा में हमने डाल दिया है लगभग 1 चम्मच नमक। नमक को हम अच्छे से एलोवेरा के पल्प में मिक्स करेंगे और नमक को मिक्स करने के बाद हम तुरंत इसे पानी से धोएंगे। नमक डालने से इसका पूरा चिपचिपापन निकल जाएगा और ये एकदम अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, हमने नमक डालने के बाद एलोवेरा को धो लिया है और ये देखिए, इसका पूरा चिपचिपापन निकल गया है। ये देखिए, कुछ ऐसा हो गया है नमक धोने के बाद। इधर लिए हमने एक कटोरी में ताज़ा दही लगभग 2 से 3 चम्मच। इसमें डालेंगे हम मसाले। ये डाल दिया है हमने हल्दी पाउडर, ये डाल दिया हमने धनिया पाउडर, और ये डाल दिए हमने लाल मिर्च। इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। मसाले इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा भी और जितना भी आप खाते हो। इन मसालों को हम कुछ देर दही में भीगने देंगे, जब तक हमने कढ़ाई में गरम कर लिया है तेल। तेल में डालेंगे हम जीरा। जीरा डालने के बाद डालेंगे हम खड़े मसाले, जिसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च, कड़ी तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च। और इनको तड़कने के बाद अब हम डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कड़ी पत्ता डालने के बाद अब हमने डाल दिए हैं बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज को हम कुछ देर पकाएंगे। ये देखिए, प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर और इन्हें भी हम कुछ देर पकाएंगे। और ये हमने टमाटर गलने के लिए डाल दिया है थोड़ा सा नमक। और ये देखिए, हमारे टमाटर भी थोड़े गल गए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे दही वाले मसाले जो हमने पहले भिगो के रखे थे। मसालों को भी हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, हमारे मसाले कितने अच्छे से पक गए हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने लंबी लंबी साइज में काट के रखी है। इनको भी कुछ देर और पकाएंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर। इसका इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये इससे क्रीमी सा टेस्ट आता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, हमारे सारे मसालों की ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें डाल देंगे एलोवेरा का पल्प जो हमने धो के रखा था, और हम इसके साथ भी लगभग 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इस सब्जी को। और ये देखिए, हमारी सब्जी कितनी अच्छे से पक रही है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और ये डाल दिया है हमने गरम मसाला।
गरम मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी और इसे लगभग 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, कितनी अच्छी दिख रही है। और ये सब्ज़ी बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है।